हेलो एवरी वन वेलकम टू अनदर लेक्चर ऑफ जावा प्रोग्रामिंग आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे मैथड ओवर की ठीक है जी मैथड ओवर राइडिंग क्या होती है इसको हम क्यों यूज करते हैं इसको कैसे यूज करते हैं और इसको अपने कोड में यूज़ करने का पर्पज़ क्या है और ये ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के कौन से मेन पिलर है जिसमें इसकी इन्वॉलमेंट है गाइस सबसे पहले हम देखते हैं इसमें टॉपिक्स क्या क्या कि होंगे इसमें सबसे पहले हम डेफिनेशन देखेंगे इसकी फिर हम देखेंगे कि वाई ओवर राइडिंग ओवर राइडिंग करते क्यों हैं देन ओवर राइडिंग के रूल्स क्या हैं और आखिर में जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है हम ओवर राइडिंग इंप्लीमेंटेशन देखेंगे ठीक है जी इंप्लीमेंटेशन हम देखेंगे इसकी किसमें इंप्लीमेंटेशन इन जावा ठीक है जी जी आपको इसी डेफिनेशन से ओवर राइड का समझ आ जाएगा कि ओवर राइडिंग होती क्या है इफ सब क्लास जो कि चाइल्ड क्लास होती है हैज द सेम मैथड एज डिक्लेयर्ड इन पेरेंट क्लास चाइल्ड क्लास के पास सेम मैथड हो जो डिक्लेयर है उसकी पेरेंट क्लास के अंदर ठीक है जी इट इज़ नोन एज मेथड ओवर राइडिंग इन जावर ठीक है जी बड़ा सिंपल है कि ऐसा मैथड जो कि आपकी चाइल्ड क्लास में भी हो और वही मैथड आपकी पेरेंट क्लास में भी हो तो ऐसे मैथड को हम मैथड ओवर राइटिंग कहते हैं ठीक है जी इफ सब क्लास प्रोवाइड द स्पेसिफिक इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द मैथड दैट हैज बिन डिक्लेर्यर बाय ऑफ इट्स पेरेंट क्लास इट इज नॉट एन मेथड ओवर एंडिंग ठीक है जी अगली बात क्या करता है वो और क्लियर हो जाता है कि जो सब क्लास जो चाइल्ड क्लास है वो किसी स्पेसिफिक uh, इम्प्लीमेंटेशन दे दे उस मेथड को यानी कि वो जो मेथड है वो पेरेंट क्लास में ऑलरेडी कहीं पे डिफाइन हुआ हुआ है बट चाइल्ड क्लास जो है उसको जो अपनी पेरेंट क्लास की फंक्शनिटी इनहेरिट करी है उस फंक्शन को अपने हिसाब से इंप्लीमेंट कर दे तो इसको हम क्या करते हैं मैथड ओवर कहते हैं ठीक है जी अच्छा जी क्यों करते हैं जी मैथड वाई मैथड ओवर राइडिंग मैथड ओवर राइडिंग यूज टू प्रोवाइड स्पेसिफिक इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द मैथड जो हमने पहले भी बात की विच इज ऑलरेडी प्रोवाइडेड बाई इट्स सुपर क्लास सुपर क्लास का मतलब होता है पेरेंट क्लास ठीक है जी कह रहा है कि पेरेंट पेरेंट में ऑलरेडी वो डिफाइन हुआ हुआ वो फंक्शन बट जो उसका चाइल्ड क्लास है उसको वो अपने हिसाब से कोई स्पेसिफिक इम्प्लीमेंटेशन दे दे ठीक है जी तो इसको हम ओवरइडिंग कहते हैं दूसरी बात क्या कर रहा है मैथड ओवर राइडिंग यूज इन रन टाइम पोलीमोरफिजम जिस तरह मैंने स्टार्ट में बताया था ये एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का मेन पिलर है पोलीमॉर्फिज़म ठीक है जी ऊप का एक मेन पिलर है उसकी रन टाइम पोलीमॉफिजम के लिए मेथड ओवर राइडिंग हम यूज़ करते हैं ताकि रन टाइम पे हम मैटर अपनी मर्जी की इम्प्लीमेंटेशन सेलेक्ट कर सकें अच्छा जी मेथड ओवर राइडिंग के कुछ रूल्स हैं जो कि आपको फॉलो करेंगे तभी मेथड ओवर राइडिंग हो सकती है अदरवाइज नहीं होगी पहला रूल क्या कहता है द मैथड मस्ट हैव सेम नेम एज द पेरेंट क्लास मतलब जो पेरेंट क्लास में मेथड है उसका और चाइल्ड क्लास में जो मैथड है जो ओवर राइड किए जा रहे हैं उसका सेम नेम होना चाहिए सेकेंड बात क्या करते हैं जी द मैथड मस्ट हैव द सेम पैरामीटर्स होने चाहिए उसके एज द पेरेंट क्लास जिस तरह नेम सेम है पैरामीटर भी सेम होने चाहिए वरना अगर पैरामीटर सेम नहीं होंगे तो क्या चीज़ बन जाएगी वो मेथड ओवरलोडिंग बन जाएगा ठीक है जी ओवरलोडिंग अगर आपको नहीं आती तो आप हमारे चैनल पर जाकर लर्न टू कोर्न नाउ पर जाकर वहाँ से आप जावा की प्लेलिस्ट में मेथड ओवरराइडिंग का कॉन्सेप्ट जो है उसकी वीडियो देख सकते हैं और लास्ट में हम बात करें देयर मस्ट बी इज आर रिलेशनशिप यानी कि जो इनहेरिट हो रही है उसमें इज आ रिलेशनशिप हो ठीक है जी यानी कि चाइल्ड जो है वो पेरेंट के साथ इज आ रिलेशनशिप होना चाहिए ठीक है जी ये उसके तीन रूल्स हैं और लास्ट में हम बड़ी ज़बरदस्त एक बैंकिंग सिस्टम की इम्प्लीमेंटेशन है जो कि हम देखेंगे इसके अंदर कि ये ए, कैसे जो है बैंक की रन रियल टाइम एप्लीकेशन में कैसे यूज होता है मेथड ओवर अच्छा जी इसमें हो गया रहा है इसमें सबसे पहले आप देखेंगे आपके पास एक, एक, एक क्लास है बैंक ये एक पेरेंट क्लास है बैंक के नाम से और इसमें एक फंक्शन है जो कि रिटर्न करता है गेट रेट ऑफ इंटरेस्ट ठीक है जी और रिटर्न जीरो कर रहा है यानी कि ये इंटीजर कुछ रिटर्न कर रहा है और ये क्या रिटर्न कर रहा है रेट ऑफ इंटरेस्ट ठीक है जी इसी तरह ही इसका एक चाइल्ड है जी एस यानी कि ये कोई बैंक है जो कि एक्सटेंड करा है बैंकिंग क्लास को और यहाँ पे गेट रेट ऑफ इंटरेस्ट को ओवर कर रहा है और ये रिटर्न करा है एट ठीक है जी यानी कि एट परसेंट इस तरह आई सी आई सी आई बैंक है जी ये भी एक चाइल्ड है ये बैंक क्लास को इनहेरिट कर रहा है और ये गेट रेट को ओवर कर रहा है यहाँ पे रिटर्न करा सेवन इस तरह ए एक्स आई एस यानी कि एक्सिस कोई बैंक है वो एक्सटेंड कर रहा है बैंक क्लास को यानी कि पेरेंट क्लास को और गेट रेट ऑफ इंटरेस्ट को यहाँ पे ओवर कर रहा है और यहाँ पे रिटर्न कर रहा है नाइन ठीक है जी तो अब आप देख सकते हैं कि पेरेंट क्लास एक ही है ठीक है जी और उसको इनहेरिट कर रहा है जी वन ये वाला टू ये वाला चाइल्ड और थ्री ये वाला चाइल्ड और उसके फंक्शन को अपने हिसाब से ओवर कर रहा है यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर ठीक है जी तो एक ही फंक्शन है और तीन किस्म की इसकी इंप्लीमेंटेशन है और तीनों डिफरेंट इंप्लीमेंटेशन है तो यह है जी का कांसेप्ट जो यहाँ पे इंप्लीमेंट किया जा रहा है नेक्स्ट हम आते हैं अपनी मेन फंक्शन के अंदर ये मेन फंक्शन है यहां पे पहला ऑब्जेक्ट बनाया गया एस बी आई का दूसरा बनाया गया आईसीआईसी का फिर उसके बाद ए एक्स आई एस का बनाया गया ठीक है जी और हमने रिटर्न किया इंटरेस्ट रेट एस यानी कि इस वाले का क्लास का और आई यानी कि इस वाले का ऑब्जेक्ट आ गया दूसरी क्लास का और ए आ गया इस वाले का जी? और हमने सबका एक ही फंक्शन कॉल किया ठीक है जी आउटपुट में हम देखेंगे जब हमने एस बी आई रेट देखा तो वो आया एट क्योंकि हमने एट यहाँ रिटर्न हो रहा है नेक्स्ट का आया सेवन और उसका आया नाइन यानी कि सेम फंक्शन को आपने ओवर किया तीनों बैंक्स की जो चाइल्ड क्लासेस हैं उनके अंदर और तीनों ने डिफरेंट रिजल्ट दिया तो ये है जी मेथड ओवर राइडिंग बेस्ट रियल टाइम एग्जांपल आई होप आपको ये लेक्चर समझ आया होगा अपनी क्यूरीज जो है वो कॉमेंट सेक्शन में आप हमसे पूछ सकते हैं और हमारे चैनल लर्न टू कोड नाओ को लाइक करें सब्सक्राइब करें अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में शेयर करें ताकि हम नॉलेज को मजीद स्प्रेड कर सकें थैंक यू सो मच